नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सर। स्वागत है आपका आज दिन भर की फटाफट खबरों में। वहीं पहली बड़ी खबर, कमजोर होती कांग्रेस पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। मणिपुर के 5 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। जी आपको बता दें कि अब मणिपुर में कांग्रेस के लिए सियासी संकट गहराता जा रहा है। कांग्रेस के 5 पूर्व विधायकों ने बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि हाल ही में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बुधवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में इन्होंने भाजपा की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। इससे पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हाल ही में कांग्रेस के 1 विधायक और 6 पूर्व विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ रवाना हुए 6 पूर्व विधायक वे विधायक हैं जिन्होंने 10 अगस्त को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और 11 अगस्त को कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। आपको बता दें कि अब बुधवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में इन्होंने भाजपा की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। वह अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का अब अगला अध्यक्ष गांधी और नेहरू परिवार से होगा अलग। राहुल गांधी से प्रियंका गांधी हुई सहमत। जी आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गांधी और नेहरू परिवार से बाहर के शख्स को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपने की वकालत की है। उन्होंने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के राय का समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि शायद राहुल गांधी ने इस्तीफा वाले पत्र में नहीं लेकिन कहीं और कहा था कि गांधी और परिवार से कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अब प्रियंका ने पार्टी के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर आगे कहा कि अध्यक्ष भले ही गांधी परिवार से ना हो लेकिन वह उनका बॉस होगा और वह उसकी हर बात मानेंगी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अध्यक्ष मुझे कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत अब उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अंडमान और निकोबार में है तो मैं वहां खुशी खुशी चली जाऊंगी। वह अगली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 64,531 नए मामले, 1,092 लोगों की मौत। आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 27,67,274 हो गई, जिसमें से 52,889 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और अच्छी बात यह है कि अब तक 20,37,870 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। पहली बड़ी खबर, अब सरकारी दुकानों पर राशन बांटने की तिथियों में हुआ बड़ा बदलाव। जानिए कब, कहां और कैसे मिलेगा अब राशन। जो आपको बता दें कि अतिरिक्त राशन वितरण की तिथियों में बदलाव किया गया है। गत माह से राशन वितरण 15 की जगह महीने की 21 तारीख से होगा। इस बार भी मिलेगा निशुल्क राशन वितरण 21 से 30 अगस्त के मध्य होगा। कार्ड धारकों को राशन कार्ड पर दर्ज नंबर के अंतिम अंक के अनुसार बुलाया गया है। 16 से 20 अगस्त के बीच अतिरिक्त राशन का सत्यापन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल और प्रति कार्ड पर अब 1-1 किलोग्राम चना भी मिलेगा। वह अगली बड़ी खबर, अब बिना राशन कार्ड वाले गरीब नागरिकों को भी 1 रुपए प्रति किलो मिलेगा गेहूं और चावल। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व भाजपा सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले करती जा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि जो भी गरीब हैं और जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है उनको 1 सितंबर से प्रति परिवार के हिसाब से 1 रुपए प्रति किलो नमक, गेहूं और चावल मिलेगा, जबकि 1.5 रुपए प्रति लीटर मिट्टी का तेल दिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है। गरीबों को अनाज का यह वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को भी एक बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार ने फैसला किया है कि अब मध्य प्रदेश की जो भी सरकारी नौकरियां हैं वो प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगा। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब बिना राशन कार्ड वाले गरीब नागरिकों को भी मात्र 1 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और चावल दिया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, SSC बैंकिंग और रेलवे के लिए अब नहीं देनी होंगी अलग अलग परीक्षाएं, एक ही टेस्ट से होगा सिलेक्शन। जी आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है जिसके तहत अब युवाओं को केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होंगी बल्कि इसके लिए सामान्य योग्यता परीक्षा ली जाएगी, जिससे देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। दरअसल पहले सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। इसे समाप्त करने के लिए सरकार राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना करेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। इस फैसले के बाद रेलवे बैंकिंग और SSC की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी, एक ही
आवेदन एक ही शुल्क और एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा, यानी 3 साल तक के लिए वो वैलिड होगी। अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही ये परीक्षा देने की इजाजत थी, लेकिन इसके जरिए अब परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। फिलहाल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल 3 संस्थाओं रेलवे, बैंकिंग और SSC के लिए परीक्षा लेगी, लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षाएं यही एजेंसी लेगी। यदि आप भी सरकार की इस योजना का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वह अगली बड़ी खबर, अब पान मसाला और सिगरेट जल्द हो जाएंगे महंगे, GST काउंसिल की 41वीं बैठक में बड़ा फैसला। जी आपको बता दें कि GST काउंसिल की 41वीं बैठक 27 अगस्त को होगी। GST काउंसिल की इस बैठक का एकमात्र एजेंडा कंपनसेशन जरूरतों को पूरा करने के उपायों पर होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक GST काउंसिल की बैठक में कुछ राज्यों द्वारा आयातकर सामान जैसे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, पान मसाले पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की संभावना है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, पान मसाले पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव देने वाले राज्यों में पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो सिगरेट और पान मसाले जल्द ही महंगे हो जाएंगे। मौजूदा समय में पान मसाले पर 100% टैक्स लगता है। ऐसे में टैक्स नियमों के अनुसार अधिकतम 130% तक टैक्स बढ़ाया जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि GST काउंसिल अगर यह फैसला लेती है तो पान मसाले 30% तक महंगे हो जाएंगे। आपको बता दें कि जो भी चीज 100 रुपए की आती है वो 130 रुपए की मिलेगी। वह अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, अब गन्ने की फसल पर 10 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेंगे पैसे। जी आपको बता दें कि किसानों को अब उनकी गन्ने की फसल के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने की FRP यानी फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस को 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि FRP वो मूल्य होता है जिस दर पर चीनी मिल किसानों से गन्ना खरीदते हैं। इसके अलावा चीनी वर्ष हर साल 1 अक्टूबर से शुरू होकर अगले साल 30 सितंबर तक चलता है। पिछले साल खरीद मूल्य में बढ़ोतरी नहीं किए जाने से गन्ना किसान काफी नाराज हो गए थे, लेकिन इस साल मोदी सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को उनके गन्ने की फसल पर 285 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। वह अगली बड़ी खबर, नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में 21 अगस्त को होगी देश की इन बड़ी मंडियों में हड़ताल। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में 21 अगस्त को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व चंडीगढ़ की बड़ी मंडियों में हड़ताल की जाएगी। इस बात का ऐलान अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग का कहना है कि केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों से पूरे देश के किसान व व्यापारियों में बड़ा भारी रोष है, इससे किसान व आड़ती बर्बाद हो जाएगा। गर्ग ने कहा कि अगर सरकार ने अपना आड़ती व किसान विरोधी फरमान वापस नहीं लिया तो इसके बाद अक्टूबर महीने से मंडियां अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाएंगी। व्यापारी, किसान व मजदूर सड़कों पर उतरेंगे। गर्ग ने कहा कि जब तक किसान की फसल मंडी में खुले भाव में नहीं बिकेगी तब तक किसानों को अपनी फसल का पूरा दाम नहीं मिलेगा। मंडियों से बाहर कंपनियां खरीद करेंगी तो उनकी मार्केट फीस नहीं होगी, जबकि मंडी में फसल बिकने पर मार्केट फीस लगेगी। इससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा और मंडियां बंद हो जाएंगी। अगर बड़ी बड़ी कंपनी सब्जी, फल व अनाज बेचेंगे तो जो लाखों लोग सब्जी, फल व अनाज का व्यापार कर रहे हैं वे कहां जाएंगे? इससे देश में लाखों परिवार व किसान बेघर हो जाएंगे। केंद्र सरकार को देश के किसान, आड़ती, मिलर व मजदूरों के हित में 3 नए अध्यादेश वापस लेने चाहिए, नहीं तो हम अनिश्चित काल के लिए मंडियों को बंद कर देंगे। वह अगली बड़ी खबर, फिलहाल कोरोना जाने को तैयार नहीं, ऐसे में कब से फिर से स्कूल जा सकेंगे बच्चे? जी आपको बता दें कि इस टाइम लगभग हर माता पिता के दिमाग में एक ही सवाल है कि फिर से स्कूल कब खुलेंगे और बच्चे फिर से स्कूल कब जाएंगे। इस पर न्यूयॉर्क से लेकर नई दिल्ली तक दुनिया भर में एक उग्र बहस चल रही है। कई शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चे महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि वे मार्च के मध्य से ही घरों में बंद हैं। वे कहते हैं कि व्यक्तिगत तरह से दी जाने वाली स्कूली शिक्षा की कमी बच्चे में सामाजिक कौशल विकसित करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। ज्यादातर माता पिता नहीं चाहते कि फिलहाल स्कूल खोले जाएं। माता पिताओं का कहना है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती स्कूलों को ना खोला जाए। ज्यादातर माता पिताओं ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और मांग की है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक स्कूलों को ना खोला जाए। बहरहाल केंद्र और राज्य सरकारें जो भी तय करें और जब से भी स्कूल खोले जा सके, लेकिन एक बात निश्चित है, स्कूलों के लिए फिर से पहले की तरह अपना काम करने के लिए अभी बहुत सारा वक्त लगेगा। कहा नहीं जा सकता कि 2020 में स्कूल खुलेंगे भी या नहीं।
वह अली बड़ी खबर, टूटी स्क्रीन वाले मोबाइल फोन बदलने पर सैमसंग की ओर से मिल रहा बड़ा डिस्काउंट। जी आपको बता दें कि पुराने फोन को एक्सचेंज करके अधिकतर लोग नया मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब आपके पुराने फोन की कंडीशन अच्छी हो। खास तौर पर स्क्रीन टूटी हो तो फोन एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन सैमसंग ने टूटी फोन स्क्रीन के साथ भी बड़ा ऑफर पेश कर दिया है। सैमसंग ने अपनी नई नोट 20 सीरीज के साथ एक ऑफर पेश किया है, जिसके तहत यदि आपके पास टूटी स्क्रीन वाला भी कोई भी स्मार्टफोन है तो आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। यदि आप नोट 20 सीरीज का कोई भी फोन खरीदना चाहते हैं और आपके पास टूटी स्क्रीन वाला कोई भी फोन है तो एक्सचेंज ऑफर के तहत सैमसंग आपको नए फोन पर 5,000 रुपए की छूट देगा। आपको बता दें कि ये ऑफर 31 अगस्त 2020 तक प्री बुकिंग करने वालों को मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप सैमसंग का फोन ही एक्सचेंज करेंगे। आपका पुराना फोन, टूटी हुई स्क्रीन वाला फोन किसी भी कंपनी का हो, आप किसी भी कंपनी का फोन एक्सचेंज कर सकते हैं। सैमसंग ने इसे अपग्रेड बोनस नाम दिया है। पहली बड़ी खबर, सलमान खान को जान से मारने की गई कोशिश, बाल बाल बचे सलमान खान। जी आपको बता दें कि जोधपुर के काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को बरी किए जाने पर एक गैंग को इतनी ठेस पहुंची कि उसने सलमान खान के मर्डर की ठान ली। सलमान खान की रेकी और हत्या करने के लिए एक शूटर को मुंबई भेजा गया, लेकिन इससे पहले कि गैंग अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता, फरीदाबाद पुलिस ने शूटर राहुल को उत्तराखंड से धर दबोच लिया। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि शूटर राहुल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा के लिए काम करता है। जोधपुर की कोर्ट ने काले हिरण की हत्या के मामले में सलमान खान को बरी कर दिया था। इससे लॉरेंस बिश्नोई बहुत दुखी हुआ था, वह सलमान खान को उसके लिए सजा देना चाहता था। इसके लिए गैंग के बदमाश राहुल उर्फ बाबा को सलमान खान की हत्या का जिम्मा सौंप दिया। आपको बता दें कि इससे पहले वे अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता, फरीदाबाद पुलिस ने उसे उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया। वह अली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब 5 महीने बाद होटलों को खोलने की दी अनुमति। जी आपको बता दें कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले करीब 5 महीने से बंद होटलों को वापस खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही साप्ताहिक बाजारों को भी ट्रायल बेसिस पर काम शुरू करने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले ने कोरोना काल में दिल्ली वालों के उदास चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान ला दी है। इस बैठक में बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने अहम फैसला सुनाया है। इसके अनुसार एजुकेशन डिपार्टमेंट अब हर बुधवार बच्चों को ऑनलाइन जुम्बा, डांस, योगा, एरोबिक्स जैसी कई फिजिकल एक्टिविटी की ट्रेनिंग देगा, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। विभाग ने बताया कि कोविड-19 के दौरान स्कूल नहीं खुलने से बच्चों का शारीरिक व्यायाम ना के बराबर है, जिससे बच्चे तनाव और एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए विभाग ने हर हफ्ते शारीरिक व्यायाम की क्लास ऑनलाइन आयोजित करने का फैसला किया है। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तेलंगाना, दिल्ली एनसीआर, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों में भारी बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।